करौली से खरगांव तक 7 राज्यों में हुई हिंसा को लेकर सियासत गर्म है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने हिंदुवादी संगठनों को लेकर निशाना साधा है। रामनवमी की जुलूस यात्रा के दौरान रविवार को झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक जमकर उपद्रव हुआ। इस घटना के दौरान गुजरात में एक शख्स की मौत हो गई। इधर AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने हिंदुवादी संगठनों को निशाने पर लेते हुए 7 राज्यों का जिक्र किया और ट्वीट कर डाला। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पिछले कुछ दिनों में हिंदुत्व मॉब पुलिस की शह पर कम से कम इन जगहों पर हुई हिंसा में शामिल रहे हैं। पहला करौली राजस्थान, दूसरा खंबाता और हिम्मतनगर गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश के खरगांव, चौथा कर्नाटक के धरवाड़, गुलबर्ग, रायचूर और कोलार, पांचवा बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर, छठा उत्तर प्रदेश के सीतापुर और सातवां गोवा के इस्लामपुर शामिल हैं। AIMIM चीफ ने आगे लिखते हुए 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के वक्त हुए हंगामे का भी जिक्र किया। रविवार को गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल में जुलूस के दौरान हंगामा बरपा। इस दौरान कई गाड़ियों पर पथराव हुआ। राजस्थान के करौली के बाद देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। उधर हिंसा को लेकर ओवैसी ने हिंदुवादी संगठनों को निशाने पर लिया है। इधर मध्य प्रदेश के खरगांव शहर में रविवार को रामनवमी के जुलूस पर पथराव, कुछ वाहनों और घरों में आगजनी की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। खरगांव के जिला अधिकारी ने कहा कि पूरे खरगांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि खरगांव के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी को हिंसा के दौरान गोली लगी है। हिंसा को लेकर सियासी बाजार गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।